शब्दों हम हमारा मुझसे निकालना
आज का दिन प्रभु ने बनाया आपके लिए, है ना, स्पेशल स्पेशल दिन हर एक के लिए परमेश्वर बना के आगे आगे तैयार किया आज, तो हम उसमें परमेश्वर कहते हैं इसलिए आप आनंद, है ना, इसमें आनंदित हो, ऐसे वचन साहिदा डाउट ऐसे प्रेरणा आ गया, परमेश्वर से प्रेरणा आ गया, हाँ आज इतना दिन योगा ने बनाया है, ऐसे ऐसे तो हम उस तरह से अंगीकार हमारा बहुत सुंदर दिन के लिए सुबह उठ के अंगीकार करना है, सुंदर दिन है, धन्यवाद पिता परमेश्वर इसलिए आज को मैं एंजॉय करूंगा, है ना, इंग्लिश में तो दिस इज द डे दैट Jehovah has made, so rejoice and be glad in it. आप आनंदित हो, enjoy करो, परमेश्वर कह रहे हैं enjoy कीजिए, joy. तो ये सच्चाई है ना, सच. परमेश्वर तो ने कहा दुख हो, आज का दिन योग ने बनाया तो हम दुख में, कष्ट में और रो रो के दिन गुजारो, नहीं हमारा लिए नहीं है, हमारा लिए नहीं, वो तो पीछे वाला जीवन है ना, जो पहले वाला जीवन तो ऐसे जीवन था, लेकिन परमेश्वर ने आपको बचाया सारा जो कि स्वर्ग में लेके आया, परमेश्वर जानता था कौन है कहाँ है, सच्चाई को पकड़ने वाला तैयार हो रहा, परमेश्वर जानता था, तो ऐसे ऐसे करके पता नहीं कैसे करके लेके आया और परमेश्वर तो जानता है और लोग और भी बहुत लोग हैं तैयार है, अच्छा जीवन, खुशी जीवन रहने के लिए तैयार है, बहुत लोग तैयार है, हम तो जानता नहीं पता नहीं कहाँ है लेकिन तैयार है। जैसे प्रिया ने मेरे को बताया उनका जो बचपन का स्कूल फ्रेंड है ना, क्लास वन से ऐसे, तो उस समय प्रिया तो ऐसे बताया फ्रेंड्स को बताया जब छोटा था परमेश्वर का सच्चाई, तो अभी कई साल के बाद पता नहीं क्या हो गया उनका जीवन में, क्या हो गया, कुछ हो गया तो, और ऐसे फ्रेंड्स था तो कभी कभी मिलते हैं, कभी कभी और ऐसे नहीं प्रीतिका तो विश्वास करते हैं, तो दोनों को उनका घर में बुलाया चंडीगढ़ में, परमेश्वर ने रास्ता खोला है ना, उनकी चाहत था ना, आकृति नाम चंडीगढ़ तो ना, परमेश्वर का प्रेरणा कुछ को कुछ तो दिया और फिर एक साल हो गया, 6 महीने हुए इतना, तो फिर ऐसे मैसेज आ गया सच, कुछ जरूरत है तो परमेश्वर ने ऐसे रास्ता खोला ना, बताने के लिए रास्ता खोला, क्योंकि तैयार नहीं है जैसे गोहरा भी तैयार नहीं है पानी पीने के लिए, पानी के लिए क्या है, प्यास नहीं है, तो जितना मर्जी पिलाओ नहीं पिएगा ना, बहुत तो लेकिन प्यास हो गया तो पिएगा ठीक है, सो परमेश्वर भी जानते हैं तैयार हो आपके, पता नहीं कब आपने
बताया, बीज बोया, स्वर्ग बीज बोया, एक दिन प्यासी हो तैयार, सुनने के लिए तैयार। परमेश्वर जानता है कौन है, कौन तैयार है, तैयार ना। सो परमेश्वर आपके पास लेके आएगा, ऐसे लोग लेके आएगा आपका रास्ता ना। जो मार्केट किया, पता नहीं मार्केट किया तो वहां पे कोई मिल गया, ऐसे भी हो सकता है, या रिश्तेदार है, बहन है, भाई है, चाचा है, मामा है, पता नहीं कहा कैसे। लेकिन परमेश्वर तो ऐसे लेके आए, आप भी चाहत है ना, आप भी चाहत ऐसे है ना। हाँ पिता परमेश्वर, मैं भी ऐसे सुसमाचार देने के लिए चाहते हूँ, सुसमाचार है ना, अच्छा बातें आपका बातें को इसे बताना, और ताकि सुनने वाला स्वर्ग जीवन में आ सके ना। ऐसे आप ऐसे मन बनाओगे तो परमेश्वर आपके लिए ऐसे देते रहे है ना। आप भी तैयार है पर पिता के साथ चलने के लिए, आप भी तैयार है तो पिता आपके लिए लेके आए। सो पिता के परमेश्वर के साथ तो बहुत आसान इजी है। पिता तो जानता है आप अभी किस चीज पकड़ने के लिए तैयार है ना, क्या क्या है ना, क्या सोचते हैं परमेश्वर जानता है, तो आपको ऐसे देगा। जैसे उत्तराखंड से इस साल 13 लोग है ना, यहाँ पे नेपाल में ऋषिकेश से ऐसे करके लेके आया। और ये भी कैसे था, उत्तर नेपाल से लेडीज लोग नरेंद्र जी के साथ उत्तराखंड गया, है ना, कैसे कैसे एक से दूसरा प्रेरणा हो गया। आप और उससे पहले तो अमृतसर में नेपाल लेडीज गया, आप ही गया था अमृतसर पर, तो परमेश्वर ने कुछ ना कुछ प्रेरणा दिया, उसमें आप एक कदम आगे गया है ना। ऐसे तो नहीं कहा ये तो मुश्किल है, ऐसे अजीब मुश्किल है, ऐसा तो नहीं बोला, हाँ है ना। परमेश्वर ने तेज चाहत दिया ना, तेज चाहत, हाँ जाऊंगी है ना, जाऊंगी। उस अधिकार को ज्यादा नहीं किया, महंगा है कैसे करेंगे, ज्यादा खर्चा तो हो जाएगा, ऐसे चीज को ज्यादा अधिकार नहीं किया। अच्छा चीज को देख के, हाँ पिता परमेश्वर ये तो बहुत अच्छा है, ये आपसे है, हम आगे जाएगा तो बहुत और फल है, तो ऐसे आया। और नेक्स्ट तो उत्तराखंड, नेक्स्ट उत्तराखंड तो नारायण जी पिक्चर में आ गया, मूवी थिएटर पिक्चर में आ गया। तो राम सिंह जी भी देखा, नेपाल से ऐसे आ सकते हैं, लेडीज लोग आते हैं। तो परमेश्वर दिखाया कुछ ना कुछ तो दिखाया ना, आसानी किया ना परमेश्वर ने, हर चीज नेक्स्ट चीज तो आसानी करते तो देख सकता है ना। परमेश्वर के साथ एक कदम चलते रहेगा, कुछ ना कुछ नेक्स्ट वन आसानी हो जाएगा। ये लोग ऐसे करके आ सकता है, लेडीज है उत्तराखंड, वहां पे भी पहाड़ है ना। जो राम सिंह मिला, हम तो ऐसे लग रहा है उत्तराखंड में है, क्योंकि वहां उनका घर का जगह, आप भी हाँ आप तो गया ना, वो वहां पे भी ऐसे है ना, पहाड़ है, बहुत सुंदर है। सो तो हम में ऐसे आया, हाँ हम तो जाऊंगा। और क्या, बहुत परमेश्वर तो बहुत बुद्धिमान है ना। नारायण जी टूरिस्ट बिजनेस है ना, बस का बिजनेस ऐसे आप देखा है ना, तो नेपाल में पहले से आ चुका था हिंदुस्तान से है ना, जो टूरिस्ट के साथ, ऐसे नहीं है गया नहीं, कभी भी गया नहीं, पता नहीं कौन सा रास्ता से जाएंगे, क्या है, जाएगा तो कुछ ऐसे टैक्स है क्या है, ऐसे तो नहीं था, जानता था। तो ये भी आसान है ना, आसान है जी, हाँ ठीक है,
और नारायण जी भी परमेश्वर तरफ चलने वाला ना, तो परमेश्वर का ये प्रेरणा पकड़ सकते हैं। हाँ मैं तो लेके जाऊंगा ऐसे मान, है ना, ऐसे नहीं है बिजनेस के अनुसार लेके जाऊंगा, नहीं, परमेश्वर के लिए, ये परमेश्वर ने मेरे को प्रेरणा दिया तो मैं तो लेके जाऊंगा। तो परमेश्वर हर चीज कर रहा है, पता नहीं इधर से उधर से प्रेरणा आ गया, है ना, नेपाल से आ रही, उत्तराखंड में आ गया, तो हम और नारायण जी के साथ आ गए, तो हमारा नारायण जी तो उत्तराखंड का, लेकिन दिल्ली में तो रहते हैं, दिल्ली में। और परमेश्वर ऐसे चाहत वाला को फटाफट करके 13 लोग, है ना, 12 नारायण जी प्लस 12, तो क्या हो जाएगा, अभी राम सिंह ग्रुप देख के रामचंद्र जी ग्रुप उत्तर प्रदेश, है ना, इलाहाबाद फतेहपुर कागज ऐसे तो कुछ आ गया, है ना, परमेश्वर ये लगा सकते हैं ना, ऐसे चीज देख के देखते नेक्स्ट ऐसे चीज परमेश्वर आगे लेके जाए, तो साफ को तेज करना है, परमेश्वर तो साफ को तेज करना चाहते हैं। सो तो अभी तो ये रेलगाड़ी है, जो भी है एरोप्लेन है, जो भी है वो चल रहा है ना, नेक्स्ट के लिए कुछ प्रेरणा चल रहा है ना, परमेश्वर का सुइच्चा चल रहा है, सब के अंदर चल रहा है, ऐसे चीज देख के। और ऐसे लीडर मीटिंग आप आते हैं, आप मन बना के आया आज, तो आने से परमेश्वर आपको कुछ ना कुछ प्रेरणा दे रहा है आगे के लिए। हाँ हम भी ऐसे है ना, पता नहीं, मैं तो पता नहीं, तो परमेश्वर तो आपके अंदर ऐसे काम कर रहा है, परमेश्वर बोल रहा है मैं तो आपके अंदर काम कर रहा हूँ, आत्मा तो दे दिया, परमेश्वर जानते हैं आपके लिए सबसे उत्तम चीज, उत्तम रास्ता जानता है। तो आपने ऐसे आया इस समय, तो इस समय में परमेश्वर आपको कुछ नया प्रेरणा दे रहा है, नया प्रेरणा, है ना, बहुत आपको आगे लेके जाने के लिए, पीछे लेके जाने के लिए नहीं, आगे लेके जाने के लिए, बहुत सुंदर जीवन, बहुत अच्छा जीवन प्रकट करने के लिए। तो वो भी आपके लिए प्रकट होते रहे, परमेश्वर दिखा रहा है, हाँ ये हो सकता है, मन में अलग अलग गवाही, अलग अलग बातें हम सुना, सच्चाई ना, परमेश्वर का वचन सुन के हमारा अंदर परमेश्वर दिखा रहा है, हाँ ये हो सकता है, ये मुश्किल ऐसे चीज नहीं है, जो परमेश्वर ने ऐसे दर्शन सपना चाहत दे रहा है, ये तो मेरे लिए तो हो चुका है, ऐसे नहीं, मुश्किल चीज नहीं है, बहुत साल के बाद वाला चीज नहीं है, परमेश्वर तुरंत मेरा सामने प्रकट करके रहेगा। और पिता ने ऐसे चीज को देख के महिमा हो जाए, महिमा परमेश्वर का महिमा। सो परमेश्वर तो आपको बहुत आगे लेके जाना चाहते हैं, बहुत आगे, आपका जीवन को इतना चमकाएंगे आपको देख के, ओ चाहिए, हाँ प्रेरणा आ जाएगा, आपको देखे ना, आपसे प्रेरणा आ जाएगा, प्रेरणा ऐसे, ओ हम भी ऐसे करना चाहते हैं, ऐसे चलना चाहते हैं। तो आज परमेश्वर तो बहुत चीज आपको दे चुका है, आपका मन में बहुत चीज दे चुका है, आगे लेके जाने के लिए, और सुंदर दिन आगे दिन आने वाला साल, और नेपाल का नया साल तो आने वाला है, अप्रैल में हमारा तो
थोड़ा सा आ चुका है 2020 आपका साल 76 लेकिन जाएंगे और आप एक कदम एक उत्साह में चलना है, चलते रह दीजिए परमेश्वर उसको प्रकट करेगा। हम विश्वास के साथ अंगीकार करते हैं ये परमेश्वर कर चुका है, धन्यवाद पिता परमेश्वर वो भी कर चुका है। और हर दिन हमारा पिता परमेश्वर है ना, आज का दिन यहोवा ने आपके लिए स्पेशल दिन तैयार करके रख दिया है ना, तो हम एंजॉय करेंगे, ठीक है। सो ओके।